औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो इंतखाबात है तेलंगाना के, मेरे भाई, सारे हिंदुस्तान की नज़र है क्या तेलंगाना मुसलमान कांग्रेस को कामयाब करेंगे? अगर कांग्रेस कामयाब होगी तो सेंट्रल से नरेंद्र मोदी को और फासिस्ट ताकतों को शिकस्त दिया जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके दरमियान में इलेक्शन तो हो रहा है पूरे 119 सीट पे, हमारी मुखालिफ पार्टी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 9 सीटों पर लड़ रही है। आपको कभी असदुद्दीन ओवैसी बहादुरपुरे में नहीं दिखेंगे, आपको सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब मलकपेट में नहीं दिखेंगे, आपको चार मीनार में नहीं दिखेंगे, आपको कारवान में नहीं दिखेंगे, आपको याकूतपुरे में नहीं दिखेंगे, आपको गोशा महल में नहीं दिखेंगे। बहरहाल आपको सुबह 7 बजे से बाजा ले लेके अपने गले में एक लिली के फूल का हार डालकर नामपल्ली के गलियों में दिखेंगे। ये गलियों में दिखने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपका इत्तेहाद, आपका वोट जो फिरोज खान के हक में 15 साल से आ रहा है। मेरे भाई, आज यहां पे फिरने की वजह क्या है? ये आपकी ताकत है, ये आप तमाम लोगों की ताकत है जो असदुद्दीन ओवैसी को नामपल्ली के गलियों में फिरा रहे हैं। ये आप तमाम की ताकत है, अकबरुद्दीन ओवैसी को चंद्रायन गुट्टा छोड़कर नामपल्ली में आना पड़ रहा है। ये आपकी ताकत है, MIM के साबिका कॉर्पोरेटर्स गलियों में जो फिर रहे हैं, अल्लाह की दुआई दे रहे हैं, जमात की दुआई दे रहे हैं, आप लोगों को जी हुजूरी कर रहे हैं, ये आपकी ताकत है। नामपल्ली में एक ऐसा शख्स है जो दिल खोल के बात करता है, कभी उसकी अहलिया के बारे में कुछ बता देते हैं, कभी उसके फैमिली फोटोज के बारे में बता देते हैं, कभी उसकी जातियत पे बता देते हैं, कभी उसके भाई पे तलखीद कर देते हैं, और आप खुद बोलते हैं कि मैं हैदराबाद का सबसे बड़ा छिछोरा हूं। बोलते ना छिछोरे के साथ साथ, मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुसलमानों के साथ खड़कर झूठ बोलने वाले हैं। आपके झूठ मैं साबित करूंगा। इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नुमाइंदे हैं आप, मुसलमानों के नुमाइंदे हैं आप, एक बैरिस्टर है आप, कितनी संजीदगी से बात करना, आप कितनी मोतबरी से बात करना। अरे आप छिछोरापना इतना कर रहे हैं कि गैर लोग बोल रहे हैं कि क्या भाई मुसलमानों का नुमाइंदा ऐसा होता है? बोल रहे नहीं बोल रहे, खुद बोल रहे हैं, मेरे मीम्स बन रहे, मैं मीडिया की लैला हूं। अरे आप फिर मुसलमानों के कैसा हो गए आप मीडिया की लैला रहे तो? तो लिहाजा आप सबसे पहला झूठ आपको मैं इस अहमदनगर डिवीजन से ही बता दूंगा। इनके झूठों को सुनो भाई, इनका सबसे पहला झूठ, यहां की कॉरपोरेटर है हमारी बहन रफत सुल्ताना। क्या कोई रफत सुल्ताना को पहचानते हैं? और रफत सुल्ताना अब उनका जेंडर चेंज कर देके सरफराज के नाम से कोई आ गए, उन्होंने रफत सुल्ताना की जगह ले लिए। कोई सरफराज है यहां पे? मुखामी भी यहां के नहीं है। आसिफ नगर की कॉरपोरेटर हमारी गौसिया सुल्ताना बहन है, लेकिन वहां पे कोई मूसा आ गए। फिर आपके विजयनगर कॉलोनी की हमारी कोई जबीन बहन है, वहां पे कोई डॉक्टर खासिम साहब आ गए। और मल्लेपल्ली की हमारी कॉरपोरेटर हमारी यास्मीन बेगम कोई बहन है, वहां पे कोई जफर खान आ गए जो नामपल्ली से ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, गोशामेल क्षेत्र उनको लगता है। गोशामेल से एक नुमाइंदा MLA खड़ा दो, इलेक्शन की जरूरत ही क्या है, कायश पूरी हो जाएंगी। या नुमाइंदा, वा नुमाइंदा, वा नुमाइंदा, अरे दस्तूर में रह गए, दस्तूर का काम करो। बहुत बोल दिए आप, जबान हमारे को भी है। आज अल्लाह तुमको इज्जत दिया, ये आवाम आई। अकबरुद्दीन ओवैसी का रोड शो हुआ, ये आवाम नहीं थी। डबिलपुरा, याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, बल्लागुड़ा, आपके चार मीनार, हर जगह के भाइयों को बुलाना पड़ा, दिलों पे राज करना पड़ता। दिन रात पूरी 24 घंटे फोकसिंग करे बाद भी ये शेर को 2-5 हजार वोट से हरा रहे। कहां थे? कोएड में। असदुद्दीन ओवैसी साहब, कोएड नहीं, जनता कर्फ्यू जिस दिन हुई थी उस दिन से ही 2000 आदमी का पकवान हम शुरू कर दिए थे, हमारा पूरा रिकॉर्ड है। यहां का कोई कब्रस्तान नहीं बचा भाई, जहां पे मैंने नहीं दफनाया लाशों को कोएड की। हम मार्केट में थे, हम बराबर काम करे, कोई ऐसा नहीं बचा जिसके घर पे हम राशन नहीं पहुंचाए, चाहे वो हमारा हिंदू भाई रहो, मुस्लिम भाई रहो, हर जगह पे। इनके छोटे भाई सच के पुतले हैं, है ना, है ना, सुनिए। अब इन्हों बोले दारुस सलाम से ठहर के,
2014 मार्च में हम हवाओं में बो सुनकर बोल देते हैं कि बारिश होने वाली है या नहीं, बोले थे ना भाई, केसीआर गुलाबी बीजेपी है बोले थे। अब गुलाबी बीजेपी मामू कैसा बन गया भाई? आपकी मंजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की दफ्तर सिर्फ दारुसलाम है, हमारे एमएलए की कोई ऑफिस नहीं है, बोले ना भाई। विजयनगर कॉलोनी में कमेटी हॉल को आपके एमएलए साहब ऑफिस बना के खा गए, कमेटी हॉल को आपके एमएलए साहब खा गए। उसके बाद वहां पे गवर्नमेंट से सैंक्शन भी करा लिए, करोड़ों रुपया लाइट एसी फैन सब लगा दिए। तो आप झूठ हुए ना। अब जाफर हुसैन मेरा साहब बेचारे भाई को बल्लागुड़े से लाए थे, उन्होंने भी गायब हो गए। अब हमारे माजिद हुसैन साहब आ गए और लोगों को अच्छे खासा डराते भाई, बोल दे रहो मैं, हाँ समझ गए ना, इलेक्शन एक ही दिन रहता, 5 साल मैं हूँ। अरे हम भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, जो लोग आपको पूछते नहीं थे आज आपके घर पे आ रहे, नहीं आ रहे, समझो वक्त की नजाकत को। पहले बीजेपी से मुकाबला होता था, कभी भी हो, थर्ड पोजीशन आओ, फोर्थ पोजीशन आओ, हमारा राष्ट्र मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस में अब दमखम कहां है भाई? कांग्रेस में दमखम नहीं है, बल्कि कांग्रेस 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 बोल रहे। अब मामू के बारे में बोल रहे, मामू कितने अच्छे मामू है भाई। मामू के नाना भी बोलता मैं, उन्हें नरसिम्हा राव बोलता मामू, तो नाना हुए ना भाई? हुए नहीं हुए? बहुत कुछ कर दिया उन्हें, एमएलसी तक बना दिया नरसिम्हा राव की बेटी को। आपके मामू मुसलमानों को 12% देते, बोले नहीं दिए। आपके मामू आलेर में इनकाउंटर करा दिए, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। आपके मामू वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते, बोले आज तक नहीं दिए। इस्लामिक सेंटर 10 एकड़ पे बना तो बोले, आपके भाई उसका शुक्रिया भी अदा कर दिए। रुबात बना तो बोले अजमेर में 1 एकड़ पे, आज तक नहीं बनाए। शमशाबाद के एयरपोर्ट पे हज हाउस बना तो बोले, आज तक नहीं बनाए। इस्लामिक सेंटर 10 एकड़ पे बना तो बोले, आज तक नहीं बनाए। सिवाय आपको धोखे के कुछ नहीं दिए, आप उस मामू की तारीफ कर रहे हैं जिसका स्टेयरिंग इनके हाथ में है। वो स्टेयरिंग के मामू ट्रिपल तलाक में मोदी का साथ दिए, नोटबंदी में मोदी का साथ दिए, आर्टिकल 370 में मोदी का साथ दिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन में मोदी का साथ दिए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में मोदी का साथ दिए, दिए ना भाई। उसके बाद आपके मामू 9 मसाजिदे शहीद कर दिए, मैं तफसील में अभी नहीं जाऊंगा, बाद में तफसील बताऊंगा। एक पे भी केस नहीं बुक हुआ, शामीरपेट पे एक केस बुक हुआ। सेक्रेटरीट के मसाजिदों को शहीद करे, यही मुश्ताक मलिक, यही फेरोज खान, यही उस्मान खान, यही राशिद खान। हम हर फील्ड में काम करें, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, मंदिर को भी सैनिटाइज करें, मस्जिद को भी सैनिटाइज करें। आज भी अल्लाह का फजलो करम है, 1 रुपए की पसमानदगी नहीं होती, हमको शर्म नहीं आती, हमको झुकते नहीं, हम डरते नहीं, वही रुआब से फिरते ना भाई। कभी डर देखे हमारे पास? हम डराने वालों में से, हम डरने वालों में से नहीं है, सिर्फ हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं और हमारे मुल्क से बेहद मोहब्बत करते हैं। साल के 12 महीने शख्सियत को मत देखिए, जमात को देखिए, बल्कि लाते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, शख्सियत कहां की चल जा रहे हैं। शख्सियत को देखिए, यही मरेगा, यही पैदा हुआ, यही दफनाया जाएगा। शांतिनगर में खबर भी ले लेकर खा बिचारा। तो यही मट्टी के हम, नामपल्ली के, नामपल्ली के लिए काम करेंगे। इस मोहल्ले की मस्जिद के इमाम पर भी केस बुक कराया गया, सस्पेक्ट राउडी शीट, एक घर में 9 बच्चों की खोला गई, एक ही केस पे। बता माजिद हुसैन, खुलाया नहीं खुलाया? लोगों को डराने का काम बंद कर दो। जब तक हमारी सांस है बराबर आपके लिए खड़ेंगे। उनको मजबूर कर रहे हैं लोगों को। आप, मैं रौडियों को भी बोल रहा हूं, आपका मुस्तकबिल भी हम संवारेंगे, आपको भी इज्जत की रोटी देने लगाएंगे, आपका भी किरदार अच्छा करिए, आपकी भी रौडी शीट बंद करवाएंगे, करवाएंगे ना फिरोज खान साहब। आप सिर्फ उनके लिए एक काउंटिंग है, दूसरा कुछ नहीं है। आपको मैं यही बोल रहा हूं, आपके ना कोई घर को सताया जाएगा। जिस दिन 3 तारीख के दिन फिरोज खान नामपल्ली से चुन के आएगा, सबको माफ, किसी पे कोई एक्शन नहीं, सबके लिए दिल साफ। आप लोग कसरत से वोट डालिए, ये इलेक्शन ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, ना सिर्फ केसीआर का है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। जाती तौर पे हर कोई अपने हम्माम के नंगे होते हैं, ये हमारा भाई खुल्ला है,
सीधा आदमी है, सिंपल आदमी है, कोई चीज में हेर फेर नहीं है। किसी का घर नहीं लूटा हुआ है, किसी को डुबाए हुआ नहीं है, किसी के घर के पैसे खाए हुआ नहीं है, किसी को गैर वाजबी सताए हुआ नहीं है। आज भी तुम्हारे तरफ और अकनाफ जो लोग फिरते हैं वो हमारे इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले सो है। हमारा जो वोट पड़ता है वो बहुत सोच के पड़ता है कि इनको लाना चाहिए। आपके वोट की ताकत है जो असदुद्दीन ओवैसी को गलियों में फिरा रहे हैं। आपको वादा कर रहा हूं मैं, फिरोज खान के बिहाफ में कोई आपको नहीं सताएगा, कोई कभी आपको नहीं सताएगा। आप असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, नहीं नहीं दिखते हैं नो बाबा, तुम सिर्फ यहां पे इंतजाम करे तो आते, हम बगैर इंतजाम के आ जाते हैं यहां पे। अगर आपको तारीख बनाना है मेरे भाई, मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को बोल रहा हूं, अगर आपको तारीख बनाना है एक बार फिरोज खान को जिताओ भाई, एक बार। इतने बार सबको मौका दिए ना भाई, इतने बार सबको मौका दिए ना, एक बार दो भाई। फिरोज खान काम करेंगे, उस्मान खान काम करेंगे, राशिद काम करेंगे, वसीम काम करेंगे, मसूद काम करेंगे, मुरली काम करेंगे, हमारे कन का हर फर्द काम करेगा। और ये ऐसे शेरा हैं, इनके लिए एक बार थाली बजाओ आप। मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, बराबर फिरोज खान के साथ हम 24 घंटे आपके दरमियान में रहेंगे, और आपको उम्मीद है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि 30 तारीख के दिन इलेक्शन है, आप तमाम लोग निकलकर कांग्रेस के हक में वोट कीजिए, फिरोज खान के हक में वोट कीजिए। आपको एक अच्छा आदमी बनाएंगे और आपको एक अच्छा नामपल्ली बना के देंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस।